हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? जीवन में चल रहा है ना? गुड इवनिंग अमन जी कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर ज्वाइनिंग योर लाइव क्लास फर्स्ट टाइम. थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच. होप दिस इज नॉट द लास्ट टाइम. कीप कमिंग लाइव, दैट्स ग्रेट. एंड सुमित जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे सर जी, गौरव जी, रोहित जी, सम्राट जी, रिजवान जी, प्रतीक्षा जी, भीष्मदेव, ओके, नीरज जी, विवेक जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत. विकी, आपकी भी पहली क्लास है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है. दीपांचल, गुड इवनिंग. राशिका, गुड इवनिंग. ओके, आकाश, गुड इवनिंग. हाँ जी, आज मैं सोच रहा हूँ सारी 1.5 घंटे गुड इवनिंग करते हैं. गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग. आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, सबको गुड इवनिंग लिख बोलूंगा, जिसको भी लिखना है गुड इवनिंग लिखो. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग राजपूत जी, गुड इवनिंग भीष्मदेव जी, गुड इवनिंग निशा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. व्हेन यू गेट बोर्ड लेट मी नो. रोहित जी, गुड इवनिंग. सौम्य, गुड इवनिंग. प्रगति जी ने कहा जी ई सर, जी ई सर. ओके ओके, सो लेट मी स्टार्ट द क्लास. बाय द वे, समबडी सेइंग हाउ आर यू? आई एम रियली गुड, रियली गुड. ओके, सो ये स्पेक्स मेरे टूट गए थे, मैंने बताया था, बेटी ने मेरे तोड़ दिए, बहुत सारे सब तोड़ दिए, नए चश्मा ले लिया मैंने, सो आई एम फीलिंग रियली नाइस. ओके, आंखें थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हैं. ओके, डिपेंडेंसी हो जाती है एक टाइम के बाद चश्मे पे आपकी. तो ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं पाता हूँ, चश्मा ना हो, इतना हाई पावर नहीं आंखों में, पर स्टिल इस थोड़ा आईज स्ट्रेस रहती है, प्लस स्क्रीन पे ना आराम मिलता है इससे. ठीक है, तो इट्स रियली गुड टू यूज स्पेक्स ऑन स्क्रीन. चलिए, तो वी डिड अराउंड 250 क्वेश्चन सीडीएस के लिए. यार कोई भी एग्जाम करो, मेरे साथ ही है, इट्स गुड बैच टू हैव, अच्छा बैच है, और बढ़िया से दिल लगा के पढ़ो. हम जो सवाल करते हैं वो कई सवाल बहुत अच्छे स्तर के करते हैं, जो सीडीएस लेवल के प्रॉपर होते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल है. बाकी पीवाईक्यू लगा लेना, सीडीएस के काम बन जाएगा. एक दो टॉपिक हैं जो सीडीएस में आते हैं जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, वो यूट्यूब वगैरह से कर लेना, या यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा. लाइक लॉगरिथम वगैरह नहीं आती है हमारे सीजीएल एग्जाम में, बट आती है आपके सीडीएस एग्जाम में, तो वो इधर उधर से मैनेज कर लो. ठीक है, बाकी तो सब ठीक है. जिसने बुक ऑर्डर नहीं किया कर लो, 10 तारीख से रेट सुना बढ़ने वाला है. ओके, सो हमने एलसीएम एससीएफ के दो एग्जांपल्स देखे थे फ्रैक्शंस के, और चलो सवाल करते हैं. ठीक है, नया टॉपिक इसके खत्म होने के बाद शुरू होगा. क्वेश्चन नंबर 250 आ गया है, 251. कह रहा है एससीएफ और एलसीएम दो नंबरों का 19 और 285 है, अगर एक नंबर 60 से 115 के बीच में है तो बताना है वो नंबर कौन सा है. 60 से 115 के बीच में 19 का मल्टीपल. ऑप्शन में तीन दिए हैं, 76, 95, 112, उसमें से बताना है कौन सा. ओके, करेक्ट है, तो लेट्स फिगर आउट एंड सी कौन सा करेक्ट है. तो देखो, एलसीएम और एससीएफ मुझे दिया हुआ है, तो कैसे आप इस चीज को सोचेंगे कि भाई अगर मेरा नंबर लेट्स से दो नंबर है, तो 19 अगर एससीएफ है उसका, तो नंबर हम कह सकते हैं 19A और 19B है, जहां पर ए और बी को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम क्यों होने चाहिए, इसका सिंपल सा एक रीजन है कि अगर ये को प्राइम नहीं होंगे, अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो कोई ना कोई मल्टीपल और कॉमन होगा, उससे जो एच सी एफ है वो 19 नहीं रह जाएगा. जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मान लिया मेरे दो नंबरों का एच सी एफ 19 है, तो क्या मैं ए और बी को प्राइम ना रखूं, तो कोई ना कोई फैक्टर और कॉमन हो जाएगा. जैसे अगर आप को प्राइम ना रखो तो आप कहोगे ये के एल होगा और ये के एम होगा. को प्राइम ना होने का मतलब क्या है, कोई फैक्टर है जो कॉमन है, तो उस केस में आपका एच सी एफ फिर क्या होगा, 19 के हो जाएगा. तो आप 19 क्यों बोल रहे थे. देयर फोर जब भी मैं कहता हूं कि मेरा एच सी एफ मान लिया 19 है, और मैं नंबर एज्यूम करूंगा, तो 19A और 19B एज्यूम करूंगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ए और बी क्या है, को प्राइम है. क्या ये बात समझ में आई, सभी लोग पढ़िए, अभी कोई रिजल्ट की बात नहीं करेगा प्लीज. ए बी को प्राइम होंगे या नहीं होंगे, यस. ओ ए बी क्या होगा, को प्राइम होंगे. तो ये बात समझोगे ए और बी को प्राइम क्यों होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है समझना है. क्योंकि अगर हमने पहले ही बोल दिया कि 19 हमारा एस सी एफ है, तो 19A और 19B जो नंबर हमारे होंगे, क्योंकि नंबर 19 का मल्टीपल होगा फिर, और 19 दोनों में होगा, ए और बी को प्राइम होना पड़ेगा. ए और बी क्या होंगे, को प्राइम ही होंगे, और कोई चारा नहीं है. तो जब आपने ये एज्यूम कर लिया, तो अगर अब आप एलसीएम निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एलसीएम डेफिनेटली मिलेगा 19AB, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, 19 कॉमन दिख रहा है, पहले 19 लिखो फिर इन दोनों का गुणा आना है. एलसीएम में अगर दो को प्राइम नंबर्स हो ए और बी, और अगर मैं इनका एलसीएम निकालने चला जाऊं और ये नंबर क्या है, को प्राइम है, तो एलसीएम ऑफ ए बी ए इंटू बी होता है. इसलिए 19A एक नंबर है, 19B दूसरा नंबर है, इसका अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एक तो 19 हो गया, दोनों में मौजूद है, फिर ए और बी का प्रोडक्ट हो गया, तो 19AB हमारा एलसीएम हो जाता है. कितने लोगों की बात समझ आ रही है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू 285 के बराबर है. ठीक है,
तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 285 डिवाइडेड बाई 19, तो ये 19 से डिवाइड करिए, 19 से करना 19 हो गया, 19 नौ 28 होता है, 19 पंचे 95 हो गया, तो ए बी का प्रोडक्ट 15 के बराबर हो गया। अब ए बी अगर 15 हो गया तो ए और बी की संभावनाएं क्या क्या है, 1 और 15 या फिर 3 और 5, 3 × 5 15 हो सकता है, 1 × 15 15 हो सकता है, दोनों को प्राइम सेट है, बट ये सेट हमें नहीं लेना है, क्योंकि इस सेट में क्या होगा कि एक नंबर आपका आ जाएगा 19 और एक नंबर आएगा 19 × 15 यानी 285। मुझे कह रहा है कि भाई एक नंबर आपका 60 से 115 के बीच में होना ही होना है, और अगर ऐसा है तो यही संभावना है फिर 19 × 3 = 57 और 19 × 5 = 95 बने, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। सवाल अच्छा है। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा तो आप ये चीज डायरेक्ट लिखने लगोगे कि ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो एलसीएम बटे एचसीएफ है, एलसीएम बटे एचसीएफ है, जहां पर ए और बी क्या है, एचसीएफ इंटू ए पहला नंबर है, एचसीएफ इंटू बी दूसरा नंबर है, तो जब प्रैक्टिस होगी तो आप ये चीज सीधा लिखोगे, आपका समय बचना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर और नॉट। दर्शन जी किताब के बारे में विषय में मैंने कल बताया था आपको, किताब 10 तारीख से शिप होना स्टार्ट होगी पहला लॉट, तो इट विल टेक सम टाइम आफ्टर दैट, तो आप कोई किताब के बारे में प्लीज मत पूछिएगा, पढ़िए चुपचाप, क्लास के अंत में भले ही पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 252, दो नंबर्स का अनुपात 3:5 है, उनका एलसीएम 240 है, आपको बताना है सम दोनों नंबरों का क्या होगा। तो दो नंबरों का अगर अनुपात 3:5 है तो मैं कह सकता हूं कि नंबर क्या है मेरे, 3A 3B या 5B या 5A, 3A और 5A। अब अगर आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालने जाओ तो एलसीएम क्या निकलेगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम 15AB या ए, ये दोनों में मौजूद है वो लिख दो, और 15 लिख दो, 5 × 3 = 15, ये एलसीएम हो गया। आगे क्या कह रहा है कि इसका एलसीएम 240 है तो यहां मैं लिखूंगा 240 के बराबर, ए की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 240/15 यानी 15, 15 के ना 15 9 24, 15 × 6 = 90 16 आ गया, तो आपका जो सम ऑफ टू नंबर्स अगर मुझे निकालना है तो सम कितना है भैया, आपको क्या सम आपका है 5 और 3 8A, ये हो गया 8 × 16 16 अट्ठे होता है आपका 128, आंसर क्या आ गया ए। क्लियर है, से यस, सभी को समझ आया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 253, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मुझे 1152 दिया हुआ है, एचसीएफ मुझे 12 दिया हुआ है, आपको बताना एलसीएम क्या होगा। तो दो नंबर्स का मुझे प्रोडक्ट दिया है तो आप कहोगे देखो एक नंबर बनेगा 12A एक नंबर बनेगा 12B, ये नंबर्स हो गए, तो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बनेगा, ये प्रोडक्ट है आपका 1152 यानी 1152, तो आप कहोगे ये हो गया 12 × 12, एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बी और ये वैल्यू आएगी 1152। अब जरा थोड़ा कैंसिल आउट करिए, पहले 12 से काटिए इसको, तो 12 × 9 = 108 बना, 108 × 7 = 12 = 72 हो गया, फिर ए बी की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई। आगे कहानी वही है कि ये को प्राइम होंगे वाली कहानी हो गई, तो वी कैन गो द कॉम्बिनेशन इज 1 8, एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या दो दो चार भी बना सकते हैं कि नहीं, बट दो चार में क्या है ये को प्राइम सेट नहीं है, हमें जो ए बी की वैल्यू लेनी होती है वो को प्राइम सेट लेना होता है, ये को प्राइम सेट नहीं है तो ये नहीं हो सकता 2 4। तो कहानी यहाँ पर सिर्फ यही है, पूछ रहा है मुझे एलसीएम उस नंबर का क्या होगा, तो आप ये कह रहे हो कि मेरा नंबर एक हो गया 12 और एक नंबर हो गया मेरा 12 × 8, यही हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे इसका एलसीएम निकाल लेना है भैया, तो एलसीएम कितना मिला मुझे, 96 ही एलसीएम है ना, ये 12 है, ये 12 × 96 है, 12 × 8 मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं एलसीएम, 12 × 8 इज माई आंसर, क्योंकि 12 दोनों जगह मौजूद है, 8 एक ही जगह, तो 12 × 8 आपका एलसीएम हो गया 96। क्वेश्चन नंबर 254 को गौर से देखिए, जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का दो नंबर का वो 96 है, जो डिफरेंस है दोनों नंबरों का वो 4 है, आपको बताना है नंबर्स क्या होंगे। तो मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ का, वो 96 है तो डिफरेंस 4 है, तो प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप एलसीएम और एचसीएफ का, आपको एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट आपने लिखा तो दो नंबर ए बी है, उनका अंतर -4 दिया हुआ है, तो क्या हम ऑप्शन से इस बात को चेक करें, ऑब्वियसली राइट, कहाँ ऐसा होगा, किस सेट में ऐसा होगा, तो दो नंबरों में 4 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर ही नहीं, इसको चेक ही नहीं करेंगे, बाकी सब में 4 का अंतर है क्या, यहाँ भी 4 का अंतर नहीं है, इसको चेक ही नहीं करेंगे, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, अब मुझे देखना है यहाँ पर एचसीएफ क्या है, आपको यहाँ पर एचसीएफ बनेगा 4, और अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालू, एलसीएम कितना बनेगा 48। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 96 है, नहीं काट दो, ठीक है यहाँ जाओ, आपको अंतर 4 है, ये 8 है, ये 12 है, अगर मैं एचसीएफ लिखूंगा तो एचसीएफ यहाँ 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 8 = 12, अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम 24 आएगा, तो 24 × 6 कितना होगा 96, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट 96 बनेगा, राइट। अब आप कहोगे सर ये सवाल हमने ऐसे तो कर लिया, ट्रेडिशनली सवाल को कैसे करेंगे, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है इस क्वेश्चन को करने का वो देखो इस प्रकार से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड,
ट्रेडिशनल मेथड जो बनेगा इसका ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एलसीएम इंटू एससीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एससीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये बात याद है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही एलसीएम इंटू एससीएफ होता है। तो एलसीएम इंटू एससीएफ की जब बात हो रही है जो कि 96 है, अगर मैं दो नंबर्स को मान लूं कि वो नंबर मेरे एक्स और वाई है तो ऐसा लिखूंगा मैं कि एक्स इंटू वाई 96 हो गया, राइट और नॉट? यस। तो आप देखो किस ऑप्शन में 96 बनेगा, फिर से जाओ ऑप्शन में, यहां 96 बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहां भी 96 बन रहा है, बट यहां पर क्या है, अंतर दो का नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया क्योंकि दो ही जगह बन रहा है, तो यहां से भी चेक कर सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो कि मैं नंबरों का जो अंतर है x माइनस वाई उसको 4 लिखूंगा। अब आप दो इक्वेशन और दो अननोन करके सॉल्व कर सकते हो, यहां से आप x प्लस वाई निकाल लो, x प्लस वाई की वैल्यू बनती है रूट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy करने से, ट्रेडिशनल प्रोसेस, लंबा तरीका। तो इसको यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी एंड देन यू सॉल्व टू इक्वेशंस, आप देखोगे 8 और 12 ही आएगा। बट सी ऑप्शन हम बहुत सरलता से निकाल सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एससीएफ अगर 96 है तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी 96 होना चाहिए और उनके बीच में 4 का अंतर है, तो 96 यहां बन रहा है और यहां बन रहा है, और यहां 4 का अंतर नहीं तो ये गलत, यहां 4 का अंतर है तो ये सही। 255 सवाल देखिए, एलसीएम दो नंबरों का 462 है, एचसीएफ दो नंबरों का 6 है, अगर हम लें सम ऑफ टू नंबर्स 108 है तो उनका अंतर कितना होगा? मैं लिखूं कि दो नंबरों का प्रोडक्ट जो होगा x इंटू वाई वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, तो 462 इंटू 6 बनेगा, दोनों नंबरों का सम जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू मुझे दी है 108 के बराबर है, मुझे उनका अंतर बताना है किसके बराबर होगा। अब या तो आप किसी भी तरह से x और y को यहां गेस करो यहां से, जिससे उनका सम 108 बन जाए और फिर x और y मिल जाएंगे तो उनका अंतर हम निकाल सकते हैं, या फिर हम ट्रेडिशनली सवाल में अगर मुझे अंतर निकालना है तो मैं कहूंगा भाई x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो रूट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगी माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई होगी, इस प्रकार से करूँ। दीज आर द ओनली टू वेज टू गेट द आंसर। तो अगर आपको कोई वैल्यू दिमाग में नहीं आई है अभी तक तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, 462 इंटू 6, मैं लिखूंगा 462 इंटू 6, और चूंकि 4xy लिखना है मुझे तो मैं वो 4 भी यहां गुणा करूंगा ऐसे, और यहां वैल्यू आएगी 108 का होल स्क्वायर। इट्स नॉट दैट आसान सवाल, मतलब मेहनत तो है, ठीक है, मेहनत तो है, बिकॉज ऐसे तो उत्तर नहीं मिल रहा है आपको कि मिल जाए। ओके, सो जरा गौर से देखिए अभी क्या करें यहां पर। तो आप कहोगे अगर मैं इस पूरे नंबर को खोलूंगा तो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा क्योंकि ऑप्शन ऐसा है। 108 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ? आप कहोगे 116 64, 108 में 8 जोड़ दिया और 8 का स्क्वायर, स्क्वायर करने का तरीका बता चुका हूं मैं आपको, माइनस ये जो वैल्यू है आपकी 4 और ये 6, तो आप किसी एक से गुणा कर लो, ये बनेगा 4 इंटू 6 दूनी 12, 6 का 36 37, 6 को 24 3 27, 72 का ये 288 बनेगा और 87 का 108 बनेगा और 4 गुना, सो 10800 प्लस 288, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 11088, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 11088 को इसमें से, तो 12 और 64 76 बन गया, इट्स 576। तो वी कैन से कि x माइनस वाई यानी अंतर जो निकल के आया वो 576 का स्क्वायर रूट है, तो वो 24 के बराबर है। तो भाई या तो आप किसी भी तरह से x और y गेस कर पाओ कि हम ऐसी वैल्यू गेस कर लेंगे जिसका सम 108 है, मैं नहीं कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल है, आप 462 को फैक्टराइज करिए, तो ये बनेगा 231 इंटू 2 इंटू 6, 231 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 21 है, तो 11 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 6। अब यू जस्ट लुक फॉर दैट कॉम्बिनेशन, कहाँ ये बन सकता है, तो आपको अगर देखो मुझे 108 बनाना है सम, तो अगर मैं जाऊँ तो देखो 21 दुना 42 यहाँ दिखा और 11 छक्का 66 दिखा, तो दिख गया, ऐसा नहीं है, 66 दिख गया और मुझे 42 दिख गया, तो इसका कॉम्बिनेशन मुझे 108 दे रहा है, और चूंकि मैंने ये नंबर यहीं से निकाले हैं तो उसका प्रोडक्ट ये जो चाहिए वो था, जैसे मुझे 66 और 42 मिला मैं इनका डिफरेंस देख लूंगा कि 24 है और आंसर लगा दूंगा, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अगर आप फैक्टर्स में इसको ब्रेक करके देख पाए कि इनमें से कौन से दो फैक्टर्स मैं चुनूं जिसका सम 108 है, तो आपने वो नंबर सीधे खोज लिए, और वो नंबर अगर आपने 66 और 42 देख लिया कि 66 इंटू 42 इसके बराबर है और 66 प्लस 42 108 है, तो यू गॉट इट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई मेरा 5 है और x इंटू वाई मेरा 6 है, तो यहां देखना आसान होता है क्योंकि ये 2 इंटू 3 बनता है और ये 2 प्लस 3 सीधा 5 हो गया, यहां उसी को देखना थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट कि आप देख नहीं पाओगे, बाकी ये ट्रेडिशनल प्रोसेस भी मैंने आपके सामने लिखी दिया है। दो नंबर्स हैं, दोनों 27 से बड़े हैं लिखा हुआ है, दोनों 27 से बड़े हैं, उनका एचसीएफ 27 है और एलसीएम 3861 है, आपको बताना है कि जो सम ऑफ टू नंबर्स है वो कितना है, दोनों नंबर्स का सम कितना है। आपको पता ही है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर मैं लिखूं तो
तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम आपको कितना दिया है यहाँ पर, 3861, तो यहाँ पर लिखिए आप 3861। एचसीएफ आपको कितना दिया है, 27। देखो मैंने आपको एक चीज बता रखा है अभी कि ए इंटू बी, वो जो नंबर अगर मैं एज्यूम करूं मान लिया 27 ए और 27 बी, ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम बटे एचसीएफ, अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। एलसीएम की वैल्यू है 3861 बटे 27, इसको जरा विभाजित करिए, डिवाइड करिए और वैल्यू निकालिए। आपको 27 एकदम 27 हुआ, 11 बचा 116 हुआ, 27 चौके 108 हुआ, 8 बचा 27 से 81, मैंने 27 से डिवाइड कर दिया। आपको 27 से डिवाइड नहीं करना है तो आप 9 से कर लो, फिर 3 से कर लो, 143 मिल जाएगा। अब ए और बी के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ओके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक तो 1 और 143, क्योंकि मुझे को प्राइम नंबर चाहिए। बट ये चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि कह रहा है दोनों नंबर 27 से बड़े हैं। अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन माना तो मेरे नंबर क्या होगा, पहला नंबर 27 हो जाएगा और दूसरा नंबर 27 इंटू 147 हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं क्योंकि दोनों नंबर 27 से बड़े लेने हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा 11 इंटू 13 भी 147 होता है। यहां पर आपकी बात बन जाएगी 11 इंटू 27 और 13 इंटू 27 आपके नंबर हो गए। तो अगर मुझे उनका सम निकालना है तो सम क्या बनेगा, सम बनेगा आपका 27 कॉमन ले लो और यहाँ आपको मिल जाएगा 11 प्लस 13, 27 इंटू 11 27 इंटू 13, तो ये हो गया आपका 27 इंटू 24, और 27 इंटू 24 कितना होता है, 5400 प्लस 108, 5508। क्या मुझे ये काम करना है, क्या ऐसा लिखा मैंने वो सही है, नहीं, 5500 कहाँ हो गया, 540 प्लस 108, 648, 648। 27 इंटू 24 इज 540, 27 इंटू 20 540 प्लस 27 इंटू 4 108, दैट इज 648, 648 आपकी वैल्यू हुई। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए, HCF दो नंबरों का 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, दो नंबरों का HCF 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। तो देखिए एक चीज गौर से देखना कि LCM मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ HCF। LCM हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं LCM को HCF से डिवाइड करूं तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको डिवाइड करने पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि LCM HCF से हमेशा डिवाइड होगा, बहुत कॉमन बात है भाई। LCM वो नंबर है जो दोनों नंबरों का मल्टीपल है, HCF वो नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। तो अगर HCF दोनों नंबरों का डिवाइड करता है तो HCF भैया उस नंबर को भी तो डिवाइड करेगा, यानी मेरा जो LCM होगा वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से 96 डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये LCM हो सकता है। 12 से 48 डिवाइड हो रहा है, यस, तो ये LCM हो सकता है। 12 से 60 डिवाइड हो रहा है तो ये LCM हो सकता है। लेकिन 12 से अगर 66 डिवाइड नहीं हो रहा है तो LCM नहीं हो सकता, तो उसका लासा नहीं हो सकता 66। 66 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 258 पे आते हैं, आपको दो एक्सप्रेशन दिए हैं और कह रहा है कि इनका बताओ HCF क्या होगा। ये पॉलिनोमियल्स हैं, तो पॉलिनोमियल्स का HCF कैसे निकालना है इसको समझते हैं। प्रोसेस वही है, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना पड़ेगा तभी मैं फैक्टर्स देख पाऊंगा। अब बात उठी कि इनको कैसे फैक्टराइज किया जाए। एक्स की पावर 6-1 को फैक्टराइज करना बहुत आसान है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी है x³-1 और यहां पर आपका है x³+1। x³-1 को फैक्टराइज कर सकता हूं मैं x-1 × x² + x + 1। x³+1 को फैक्टराइज करके आप बोल सकते हो x+1 × x² - x+1। क्या ये फैक्टराइज्ड वर्जन लिख दिया मैंने आपके सामने, जी हाँ। अब मैं आऊंगा और मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा, दूसरा जो एक्सप्रेशन है मेरा, जो कि है x³+2x³ - 2x - 1। डिग्री 4 इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाए, दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। तो सोचते हैं जरा कैसे करें इसको फैक्टराइज, को बताएगा मुझे कैसे फैक्टराइज होगा, ये मुश्किल नहीं है। देखो इसमें x⁴-1 आप इकट्ठा करोगे और ये जो वैल्यू बची है इसमें से 2x कॉमन ले लो, तो आप x²-1 अलग करोगे। अब ये जो वैल्यू फैक्टराइज होती है ये x²-1 × x² + 1 देती है, तो x²-1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x² + 1 + 2x। आप कहोगे ये तो x²-1 है, ये जो वैल्यू है ये भी x+1 का होल स्क्वायर है, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा, ये इसका फैक्टराइजेशन। अब अगर मैं HCF निकालने जाऊंगा तो देखिए यहां पर x²-1 आपको दिख रहा है, यहां पर भी x-1 और x+1 दिख रहा है, तो यहां भी x²-1 दिख रहा है मुझे एक तरह से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का बनने वाला है वो बनने वाला है x²-1।
दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कितने को समझ में आई बात? बट ऑब्वियसली आपको कोई और तरीका चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दिस इज लेंथी है कि नहीं है लंबा. तो जो दूसरा तरीका है वो आपको ध्यान होना चाहिए. नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे होगा, जरा आप मुझे बताइए सर. आप करो एक्स स्क्वायर प्लस वन भी तो हो सकता है, कैसे हो सकता है? दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वन कहां कॉमन है? जो कॉमन फैक्टर हो हाईएस्ट डिग्री का, मुझे बताओ आप कहां है कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वन? नहीं. आप मुझे दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ए फैक्टर दिखा दो तो मैं कह दूंगा है, नहीं है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा करके प्रोडक्ट निकाल लो. तो एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां दिखा मुझे, और एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां भी है. ये जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है वो कहीं नहीं है. ओके, और ऑलरेडी हम एक एक्स प्लस वन इंक्लूड कर चुके हैं, तो देयरफॉर दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब दूसरा तरीका क्या है ऐसे सवालों में, हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं. थोड़ा सा बस आपको समझना है. मैं आपको ये बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो, कि एक्स माइनस ए अगर फैक्टर होता है किसी भी एक्सप्रेशन का, तो x बराबर a रखने पर, जैसे कोई फंक्शन है मान लिया, बोल देते हैं px. मैंने ऐसे लिख के दिखाया था आपको कि एक पॉलिनोमियल है मान लिया मेरे पास px. px में अगर मैं x बराबर a रखूं, x की जगह a रख दूं और वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो हम ये बोलते हैं कि x माइनस a फैक्टर है उसका. ये बात मैंने एक्सप्लेन करी थी, याद है आपको? किसी को याद है? सब भूल गए. इस चीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑप्शन उठाएंगे, जैसे यहां जाएंगे और हम कहेंगे यहां से x की दो वैल्यूज मिल रही है मुझे, प्लस माइनस वन मिल रही है. यहां से वैल्यू मिल रही है x बराबर एक, यहां से वैल्यू मिल रही है x बराबर माइनस एक, यहां से भी वैल्यू मुझे मिल रही है x बराबर एक. अब समस्या बस इसमें यह है कि x बराबर एक ये भी दे रहा है, x बराबर एक ये भी दे रहा है. इन दोनों में अगर x बराबर एक रखने पर जीरो आया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन दोनों में से क्या सही है. आई डू नॉट नो. दैट इज ए थिंग विच कैन कंफ्यूज यू. कर सकती है कि नहीं कर सकती है? भाई वन माइनस एक्स का वैल्यू भी x बराबर 1 पे 0 होगा और x माइनस 1 का वैल्यू भी x बराबर 1 पे 0 होगा. दैट्स द प्रॉब्लम विद एक्सप्रेशन. बट ये नहीं कि दोनों दोनों एचसीएफ हैं इसके, नहीं, एचसीएफ तो इनमें से कोई एक ही होगा. सवाल अब ये है खैर कि करें क्या फिर. तो वैल्यू रखने पे इस तरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है कि जो एक्सप्रेशंस इस तरह से लिख दिए जाएंगे x माइनस 1 या 1 माइनस x, वहां आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या करेक्ट. लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा मैं x को प्लस 1 रखता हूं, ठीक है. x को प्लस वन अगर मैं रखूं तो क्या दोनों एक्सप्रेशन जीरो हो जाएंगे, जरा देखते हैं एक बार. x को अगर मैंने प्लस वन रखा और मेरे दोनों एक्सप्रेशन जीरो हो रहे हैं, क्या वन टू टू वन, माइनस थ्री निगेटिव माइनस थ्री पॉजिटिव, और x को मैंने यहां वन रखा, यहां पर मैंने x को वन रखा, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो कमिंग टू बी जीरो. तो x बराबर वन पे अगर दोनों जीरो हो गए, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि x माइनस वन इन दोनों का फैक्टर है. और मैं x माइनस वन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक चीज ये भी देखना कि यहां पर जो x की, जैसे ये एक्सप्रेशन है, आपको बताया x की पावर 6 माइनस 1 में एक x माइनस 1 आएगा ही आएगा, याद होगा आपको फैक्टर थ्योरम कि a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n का एक फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. x स्क्वायर माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा. नाउ वी हैव टू चेक माइनस 1 आल्सो. x बराबर माइनस 1 रखो जरा, तो ये आएगा माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 होगा. माइनस 1 रखोगे ये माइनस 2 आएगा, माइनस 1 रखेंगे ये प्लस 2 आएगा, और ये माइनस 1, माइनस 3 प्लस 3 ये भी 0 हो गया, और ये x बराबर माइनस एन पे ये भी जीरो हो जाएगा. प्लस वन हो या माइनस वन हो तो दोनों पे जीरो है. तो यहां से मुझे पता चला कि x बराबर माइनस वन पे भी एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, यानी x प्लस वन भी इसका एक फैक्टर है. तो इसका मतलब एस सी एफ क्या है, x स्क्वायर माइनस वन, ये ऑप्शन. अगर x प्लस वन भी फैक्टर है कॉमन, x माइनस वन भी है, तो x स्क्वायर माइनस वन हो गया. तो ये जो ऑप्शन है ये हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ये फैक्टर्स हैं लेकिन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर तो x प्लस वन और x माइनस वन के कॉम्बिनेशन से बनेगा, जो कि हमारा x स्क्वायर माइनस वन है. समझ में आया कि नहीं? ओके, क्लियर जीते साहब. ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप ये जो डाउट पूछ रहे हो, आपने पिछली क्लासेस ठीक से नहीं करी, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. आप प्लीज पुरानी क्लासेस को ठीक से रिवाइज करें, बीच बीच से मत पढ़िए मेरी क्लासेस को, क्योंकि उसमें फिर आप मुझे भी परेशान करोगे और खुद भी परेशान हो जाओगे. ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, मैंने हाउ को एक्सप्लेन किया है. तो यही आपकी सजा है कि आप पुरानी क्लासेस को देख के समझो, ठीक है. समझ में आया सभी को सवाल? अगर पॉलिनोमियल बेस एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 259 देखिए, देयर नंबर्स नहीं होना चाहिए,
थ्री नंबर्स होना चाहिए यहाँ पर, थ्री नंबर्स आर को प्राइम टू वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 1107 एंड दैट ऑफ द लास्ट टू इज 1269 सम ऑफ ऑल द नंबर. पहली बात समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम टू वन अनदर. इसको बहुत गौर से समझिए, इसका मतलब क्या है को प्राइम टू वन अनदर, ये क्या है. देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीन नंबरों को हम नहीं बोलते हैं कि थ्री नंबर्स आर को प्राइम, ऐसा स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि को प्राइम का मतलब ही होता है दो नंबर्स. एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स अगर एक हो जाए तो ये नंबर क्या होता है, को प्राइम होता है, होता है कि नहीं होता है. यस, सवाल कह रहा है कि को प्राइम टू वन एनदर, इसका इस शब्द को समझो. तो मान लेते हैं तीन नंबर हमारे पास ए बी सी है, तो को प्राइम टू वन अनदर का मतलब हो गया कि हम एस सी एफ निकाल लें ए बी का, या फिर हम एस सी एफ निकाल लें बी सी का, या फिर हम एस सी एफ निकाल लें सी ए का. हर केस में एस सी एफ वन आएगा. तो वी आर सेइंग कि तीनों नंबर को प्राइम है वन अनदर को. ए को बी के साथ देख लो, ए को सी के साथ देख लो, बी को ए के साथ देख लो, बी को सी के साथ देख लो, सी को ए के साथ देख लो, सी को बी के साथ. एवरी पेयर इज को प्राइम एंड देयरफॉर को प्राइम टू वन अनदर शब्द का इस्तेमाल किया गया. तो अब जरा सवाल देखते हैं कि तीन नंबर है, इसमें कह रहा है पहले दोनों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू बी वो कितना है 1107, लास्ट टू नंबर्स जो है हमारे बी इंटू सी का प्रोडक्ट क्या है वो है हमारा 1269. अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो बी से बी कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको ए बटा सी मिलेगा, और ए बटा सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1107 बटे 1269. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है काट के, बताइए किससे कट रहा है नंबर, सात दो नौ, नौ छह पंद्रह, दो सत्रह, अठारह, नौ से कट रहा है, पहले नौ से काटो. आपको नौ इकनम नौ, दो नौ दुनिया अठारह, नौ तरीक सत्ताईस, नौ इकनम नौ, तीन बारह, नौ चौके छत्तीस, नौ इकनम नौ, ये नंबर मैंने लिखा आपके सामने. क्या ये और कट रहा है तीन से, यस, तीन से काटोगे तो इकतालीस बनेगा, तीन से काटेंगे तीन चौके बारह, तीन सत्तर इक्कीस बनेगा. अब नहीं काटेगा, 41, 47 दोनों प्राइम नंबर्स हो गए. और आप देखना कितना काटा आपने, एक बार नौ काटा, एक बार तीन काटा, तो बेसिकली इंटू 27 और इंटू 27 काटा. अब गौर से देखिएगा, ए इंटू बी 1107 था, यानी 41 इंटू 27 था, तो आपको ए मिल गया जो कि है 41, आपका बी 27 है जो कटा है, क्योंकि बी दोनों में मौजूद था, बी तो कटेगा, ठीक है, तो वो जो कटा है 41 इंटू 27 वो बी है हमारा, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 47. तो अगर आप ए बी सी तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो कितना मिलेगा, 41 और 27 कितना हो गया, 4 2 6 7 1 8 68, और 68 में मुझे 47 जोड़ना है 115, 68 प्लस 47 कितना हो गया 115, आपकी वैल्यू कहाँ आ गई, डी ऑप्शन 115. डज इट मेक सेंस टू एवरीवन और नॉट, हाँ जी कहें कि समझ में आ गया आपको, ठीक है. चलिए अगला सवाल देखते हैं, 260 देयर नंबर्स नहीं होना चाहिए, अगेन यहां पर होना चाहिए थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 356. अगर एलसीएम 180 है तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कितना होगा, तो नंबर हम बोलेंगे 3A, 5A, 6A. और अगर मैं इनका एलसीएम निकालने चला जाऊं तो आप कहोगे देखो ये जो नंबर्स हैं 3, 5, 6 इनका एलसीएम निकालो, तो ये बनेगा आपका 30 और A. ओके क्लियर, 30 और A, 5, 15 छक्का, गुणा नहीं करना एलसीएम में, हमें 3, 5, 6 का एलसीएम निकालना है, 3, 5, 6 का एलसीएम 30 होता है, 30 ये तुम्हारा एलसीएम हो गया, ये वैल्यू 180 के बराबर है. आप कहोगे A की वैल्यू कितनी आई, 6. और अगर ए हमारा 6 आ गया तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3 है, सो 3 इंटू 6, और 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, यानी 18, आंसर कितना आ गया ए. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 261 देखिए, दो नंबरों का सम 48 है, जो अंतर है इज 1/8 ऑफ देयर सम, फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स. तो देखिए सम ऑफ टू नंबर्स 48 है, तो मैं दो नंबर्स लिख रहा हूं ए प्लस बी, और इसका सम कितना हो गया 48 हो गया, डिफरेंस उनके सम का 1/8 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया, या 6 हो गया, 6 हो गया 1/8 ऑफ देयर सम. अब मैं ए की वैल्यू निकालू, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 48, 6 54 बटे 2 27, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 27 माइनस 21 6 बनेगा, ए भी निकल गया. अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम कितना बनेगा, यह है 3 का क्यूब और यह है 3 इंटू 7, तो एलसीएम बनेगा 3 का क्यूब इंटू 7, 27 इंटू 7 189, ठीक है 189. तो पहले नंबर्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर्स निकाल के फिर मेरा उत्तर आएगा. ओके okay?
क्वेश्चन नंबर 262, दो नंबरों का जो सम है वो 39 है और उनका HCF और LCM 3 और 120 है। आपको बताना है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स कितना होगा। तो दो नंबरों का सम 39 दिया है मुझे ना, तो यानी मुझे x प्लस वाई कितना दिया है 39, और उनका जो HCF और LCM है। अच्छा एक चीज और देखना पिछले सवाल में थोड़ा सा, वो क्या है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुझे पिछले सवाल में आपको बताना है कि दो नंबरों का मुझे सम दिया है, दो नंबरों का मुझे डिफरेंस दिया है, मैंने दोनों नंबर निकाल लिए सॉल्व करके। अब बताओ दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहां एचसीएफ क्या है, एचसीएफ पूछता तो तीन होता। तो कई बार ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल हो जाती है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ भी यहां निकाल सकते थे, केवल एलसीएम नहीं, दोनों नंबर आ गए तो मैं तो एचसीएफ भी निकाल सकता हूं। जैसे अगले सवाल में एचसीएफ का इस्तेमाल है, एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया हुआ, जब एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया होगा तो मैं सीधे लिख सकता हूं एक्स इंटू वाई बराबर 120, क्योंकि यही क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू है, क्या 120 लिखूंगा या 120 इंटू 3 लिखूंगा, 120 इंटू 3 लिखूंगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि भाई x इंटू वाई 360 है, x इंटू वाई 360 है। अब जब भी मुझसे पूछा जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये, 1 अपॉन x एक रेसिप्रोकल हुआ, 1 अपॉन y एक रेसिप्रोकल हुआ, इनका सम निकालना है मुझे। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी जरा गौर से देखना, आपको भी ये वैल्यू होगी एक्स वाई और x प्लस वाई, इस बात को ध्यान रखना। x प्लस वाई 39 है और x इंटू वाई मेरा कितना है 360 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 से 13 मिलेगा, 3 से यहाँ 120 मिलेगा, तो मेरा आंसर हो गया 13/120। 13/120 कहाँ है आंसर, बी, 13/120 इज बी ऑप्शन, ठीक है, डी नहीं, 39/360, 13/120। ये क्या है, ये सिंपली एलसीएम इंटू एचसीएफ है और ये सम है। तो सम बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है आपका, 1/x + 1/y, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 263, एक्स रेशियो वाई अगर दो होल नंबर्स के रेशियो हैं और जेड उनका एचसीएफ है, तो हमें बताना है एलसीएम इन दोनों नंबर्स का कितना होगा। सबसे समझिए, सबसे लोग इंपॉर्टेंट से, एक्स रेशियो वाई अगर रेशियो दो होल नंबर्स का है और जेड उनका एचसीएफ है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ओके, सो देखो एक्स रेशियो वाई जो यहां पर मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं लिख सकता हूं कि भाई एक्स रेशियो वाई जो वैल्यू है इसमें जेड अगर उनका एचसीएफ है, दो होल नंबर्स का रेशियो मुझे दिया हुआ है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, मुझे उनका एलसीएम निकालना है। तो नंबर्स आप क्या लिखोगे, आप नंबर्स कहोगे कि भाई नंबर्स मेरे के एक्स हो सकते हैं और के वाई हो सकते हैं, ऐसा लिखूं। आप कहोगे अगर मुझे यार एचसीएफ दिया हुआ है और वो एचसीएफ क्या दिया हुआ है, जेड, तो मैं कह सकता हूँ जेड एक्स और जेड वाई होंगे नंबर्स, क्योंकि एचसीएफ कट जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो कटता है भाई, दो नंबरों को काटोगे तो एचसीएफ कट जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 12 है और मेरे पास 27 है, जब आप इसका रेशियो लोगे तो कटेगा क्या, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही कटेगा, 3 × 12 = 3, 9 = 27, जो बचेगा वो रेशियो हो जाएगा फाइनल। तो जेड एक्स और जेड वाई नंबर में लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना हो तो क्या मिलेगा आपको, जेड एक्स वाई मिलेगा, नहीं यार परफेक्ट स्क्वायर हम पढ़ा चुके हैं, एक बेसिक आपको 125 तक के स्क्वायर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, उससे मैंने लास्ट टू डिजिट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था अंबेश, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर की कहानी आपको नहीं पढ़ाई गई है। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने की पूरी कहानी पढ़ाई गई आपको। हाँ ये बात अलग है कि 125 से बड़े नंबरों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था वो बता देंगे आपको नंबर सिस्टम में कहीं ना कहीं, तो बता देंगे, बट परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाया गया, क्यों नहीं पढ़ाया गया आपको। हाँ जी, वो ऐड और माइनस करने वाला जो सवाल पूछ रहे हो तो बकवास सवाल होता है, करवा देंगे चिंता ना करो, नथिंग विल बी लेफ्ट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जो अस्त्र आपको दिए गए हैं वो अस्त्र से सारे सवाल हो जाएंगे, और नहीं पढ़ाऊंगा तुम डाउट में पूछ लेना मुझसे, तो वहां करके दिखा दूंगा, एक नंबर उसमें कितना जोड़ेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, छोटी सी बात है यार, करा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। जेड एक्स वाई, अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ ना बेटा, करा देंगे, देखते हो आप मैं खत्म करने की जल्दी में कभी नहीं रहता हूँ, ये 16वीं क्लास है नंबर सिस्टम की, ठीक है, प्लान में 11 क्लास थी, पढ़ाते पढ़ाते 16 ऑलरेडी हो गए, और अभी भी एक दो क्लास और लगने वाली है, तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 141, एलसीएम बताओ क्या होगा, दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 141 दिया हुआ मुझे, तो उनका एलसीएम क्या होगा,
को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है। तो लिख लो आप, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, क्लियर। आंसर क्या हो गया, 141। क्वेश्चन नंबर 265, एलसीएम तीन डिफरेंट नंबर्स का 140 है, पूछे द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ, कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है, जो नंबर 140 का डिवाइड ना कर पाए वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा, 140 35 से बरोबर डिवाइड हो जाता है, 35 चौका होता है, लेकिन 140 30 से डिवाइड नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया, 20, 30 20 से हो जाएगा, 28 से हो जाएगा, 28 पंचे 140 होता है, 20 सत्ते 140 होता है, इसलिए आंसर क्या है, बी। 266वां सवाल देखिए आप, ए की वैल्यू मुझे दी है बराबर बड़ी सी, बी की वैल्यू मुझे बराबर सी दी है, आपको बताना है एचसीएफ ए और बी का कितना होगा, ए और बी का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ में पता है आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखा हुआ है, टू स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 6 क्यूब को मुझे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब लिखना पड़ेगा, ब्रेक करके 5 स्क्वायर लिखिए और 7 की पावर 4 लिखिए। तो ए की अल्टीमेट वैल्यू आई 2 की पावर 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4, बी की जो वैल्यू आई वही 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 11 का स्क्वायर। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस। व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, कि इनका एचसीएफ क्या है। तो जब मैं एचसीएफ लेता हूं ए और बी का, तो मैं क्या करता हूं, लोवेस्ट पावर्स पकड़ता हूं, 2 की लोवेस्ट पावर 2 की पावर 4 है, 3 की लोवेस्ट पावर 3 की पावर 2 है, 5 की लोवेस्ट पावर 5 की पावर 2 है, और 7 की लोवेस्ट पावर, मतलब 7 एक ही जगह है तो नहीं लिखना है, 11 एक ही जगह है तो नहीं लिखना है। ये हमारा एचसीएफ हो गया। इस फॉर्मेट में कहीं देखो 2 की पावर 4 दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कंबाइन करके लिखा हुआ है, कहीं 6 बनाया गया है, जहां 6 बनाएगा ऑप्शन में कहीं अगर 6 है तो इस 3 को अगर मैं कंबाइन कर दूं, एक 2 स्क्वायर यहां लिख दूं, एक 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कंबाइन करूंगा तो 6 स्क्वायर बन जाएगा इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर कहां दिया हुआ है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस सवाल को लिखा गया है, तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, कौन है, डाउट क्या पूछ रहा है, 399 में बुक नहीं हो पा रहा है, 420 में पैसा कटाने का ऑप्शन आ रहा है, एग्जामो कोड जब यूज करोगे तो आपको 399 में किताब मिल जाएगी बेटा, ठीक है, हाँ क्लियर है। हाँ जी, यस और नो, ऑल राइट। चलिए 267 देखिए, लीस्ट परफेक्ट क्यूब जो 2, 3, 4, 6 से डिवाइड होगा वो कौन सा होगा। तो देखो जो गिवन ऑप्शन है इसमें क्यूब ये है ही नहीं है, तो इसकी तो बात ही मत करो, 360 क्यूब नहीं होता है, ये क्यूब है, 6 का क्यूब है, 512 भी 8 का क्यूब होता है और ये 12 का क्यूब होता है। तो अब एक काम कर सकते हैं, हम ऑप्शन चेक कर लें, जैसे ये 2 से डिवाइड होता है, यस, 3 से डिवाइड होता है, यस, 4 से डिवाइड होता है, यस, 6 से डिवाइड होता है, यस, 4 से क्यों डिवाइड होगा, लास्ट में 16 है, आंसर क्या हो गया, बी। तो एक तरीका है कि भैया हम ऑप्शन चेक कर लें, सबसे छोटे वाले क्यूब को पकड़ा हमने और चेक किया वही करेक्ट होगा, तो आगे क्यों बढ़ेंगे हम, 512 भी शायद सबसे डिवाइड होगा, यस, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 6 से हो रहा है क्या, 512 नहीं हो रहा है, बट जब 216 हम चेक कर चुके हैं तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमें लीस्ट खोजना था, हमने लीस्ट नंबर पकड़ा वो क्यूब था, डिवाइड किया, हो गया, करेक्ट हो गया। बट आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन चेक करने का तरीका हुआ, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में हो जाए तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, कि हो सकता है 216 से छोटा भी कोई क्यूब संभव हो। तो अगर छोटा नंबर है तो वहां भी कर सकते हैं कि भाई 6 क्यूब के पहले 5 का क्यूब होता है, 125 चेक कर लेंगे, फिर 81 चेक कर लेंगे। बट आप कहोगे सर कोई तरीका ऐसा है क्या जो ये सब ना करना पड़े हमें, हम लिख पाए खुद ही बिना ऑप्शन देखे हुए, तो संभव है। हमें अगर ये चाहिए कि 2, 3, 6 सबसे डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, तो मुझे पहले इनका एलसीएम निकालना है सबसे पहले, क्योंकि जो एलसीएम है वो सबसे छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाता है। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम पता है क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है, 2 स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3 है, तो इनका एलसीएम बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3। पहली बात ये समझो, ये एलसीएम है, बट ये आंसर इसलिए नहीं क्योंकि हमें क्यूब चाहिए कि ये क्यूब से डिवाइड हो। तो आप कहोगे जो 2 का स्क्वायर है ना, इसको क्यूब बनाते हैं, इसको 1, 2 और दे देते हैं, जो 3 है इसको 2 बार 3 और दे देते हैं, तो 3 का क्यूब बन जाएगा। इससे हमने किया क्या है बेसिकली, ये जो नंबर मेरे पास था इसको हमने 2 इंटू 3 स्क्वायर से गुणा कर दिया, बट डिवाइड तो अब भी होगा क्योंकि आपने उस एलसीएम को किसी से गुणा किया है बस, और उस सबसे छोटी वैल्यू से गुणा किया है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आई हैव फॉर्म्ड ए परफेक्ट क्यूब व्हिच इज द स्मॉलेस्ट,
एंड विच इज मल्टीपल ऑफ एलसीएम एंड देयरफॉर इट विल बी डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। क्या बात सभी को समझ में आ रही कि मेरा आंसर 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब होगा, जो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होगा जो कि 6 क्यूब है, और 6 क्यूब क्या है 216 के बराबर है, और 216 में बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर है। ठीक है, सेंस बना रहा है आप सभी को? यस और नो बोलिए। यस क्वेश्चन नंबर 268, आपको वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन सबसे डिवाइड हो जाता है। जिसको पिछला सवाल समझ में नहीं आया, अब यहां दिमाग लगाओ। आपको बता लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले एलसीएम एक तरीका है, हम ऑप्शन जाके चेक करें कि क्या 900 इन सबसे डिवाइड होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होता है 900, तो ये नहीं होगा। 1200 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो करेंगे ही नहीं। अब 2500 और 3600 को जाके चेक करेंगे, 2500 3 से डिवाइड नहीं होता है, सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल नहीं, इसलिए आंसर डी होगा। एक ऑप्शन चेक करने का तरीका हमेशा है जो कि बहुत बड़ा नहीं होगा, बट अगर नन ऑफ दीज आएगा तो फंसोगे, क्योंकि आपको फिर नहीं पता कि यही वो नंबर है सबसे छोटा, इससे छोटा तो नहीं है, घबराहट होने लगेगी आपको अंदर, क्योंकि 3, 4, 5, 6, 8 हैं, आप बहुत सारे स्क्वायर नंबर पॉसिबल होते हैं, हमें क्या पता। तो तरीका यही जाता है कि आप 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लिखें। तो 2 की हाईएस्ट पावर यह है 2 का क्यूब, यहाँ पर आपका 2 इंटू 3 मौजूद है, बाकी 3, 4 लिख सकता हूँ मैं, 2 की हाईएस्ट पावर 3 आएगी, ये हो गया, 3 की हाईएस्ट पावर 3 ही रहेगी, 1, 5 मौजूद है, तो एलसीएम जो बनेगा मेरा वो ये है। अब मुझे अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करोगे, आप 2 की पावर को 4 बनाइए, 3 है, 3 स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, 4 का निकल जाएगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बना दिया, 3 दिया हुआ इसको मैं 3 का स्क्वायर बनाऊंगा ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो। 3 का स्क्वायर बनाने का मतलब मैं इस नंबर को 3 से गुणा कर रहा हूं ताकि वो एलसीएम का एक मल्टीपल निकाल रहा हूं, और 5 है तो 5 की पावर 1 से गुणा करो तो 5 स्क्वायर बन जाएगा। ये वो लीस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है और सबसे डिवाइड होगा, क्योंकि एलसीएम का ही मल्टीपल है। ये बना आपका 16, 16 इंटू 25 होता है आपका 400, और 400 इंटू 9 कितना हो गया 3600। इससे आप ये वैल्यूज लिख सकते हो, ये प्रोसेस है उसको लिखने का। क्यूब में हम पावर में 3 का मल्टीपल बना रहे थे, स्क्वायर में हम पावर को 2 का मल्टीपल बना रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है। क्लियर हो रहा है सभी को? यस और नो? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 269, एलसीएम दो नंबर्स का 45 गुना है एचसीएफ का, जो सम है एलसीएम और एचसीएफ का वो 1012 है, अगर एक नंबर 22 है तो हमें बताना है दूसरा नंबर क्या है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो एक बात देखना जरा, एलसीएम प्लस एचसीएफ मुझे दिया है कितना 1012, और मुझे ये भी दिया है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है। अगर ये चीज में जाके यहां रख दूं एलसीएम 45 गुना एचसीएफ का है, आपको मिलेगा 46 इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू 1012, यहाँ से एस सी एफ की वैल्यू निकल आएगी 1012/46, 46 × 92, 92 के बाद बचेगा 9, 46 × 92 एस सी एफ आ गया 22, एस सी एफ निकाल दिया 22। अब एस सी एफ निकल गया तो क्या एलसीएम भी निकल गया? यस, क्योंकि उसका 45 गुना है, तो मुझे एलसीएम मिल गया। अब देखिए मैं लिखूंगा यहां पर एलसीएम इंटू एस सी एफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर होते हैं उन्हीं के लिए फॉर्मूला लगता है, 3 नंबरों के लिए नहीं लगता है। एलसीएम की वैल्यू आपने अभी बताई कि 45 गुना एचसीएफ का है, एचसीएफ 22 है और एलसीएम 45 इंटू 22 है, एक नंबर आप कह रहे हो 22 है, दूसरा नंबर बता दो, दूसरा नंबर क्या होगा 45 इंटू 22 होगा, एक नंबर अगर 22 है, एक नंबर अगर एचसीएफ के बराबर है दूसरा नंबर एलसीएम के बराबर होगा, 45 × 90, 45 × 90 990 आपका आंसर हो गया, 990, तो आंसर हो गया आपका डी। क्या सभी को बात समझ में आ रही है कि मेरा उत्तर हो गया 990, 990 डी इज द करेक्ट आंसर? यस, यस और नो? यस, हाँ जी। नेक्स्ट 270, एलसीएम दो नंबर्स का जो कि एक्स और वाई है वो 204 गुना है एचसीएफ का, एचसीएफ 12 है, डिफरेंस 60 है, एक्स प्लस वाई बताओ कितना होगा। तो आप ये करो कि एलसीएम अगर एचसीएफ का 204 गुना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपको पता है एलसीएम क्या होता है? अगर मैं दो नंबर लूं 12 ए और 12 बी, तो वो क्या होता है, ए इंटू बी बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, ये बात क्लियर है? आप करो एलसीएम 204 गुना एचसीएफ का है, तो ए इंटू बी कितना हो गया 204 हो गया। अब आप करो कि इनके बीच का अंतर 60 है, तो अंतर निकालने के पहले मुझे तो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा यार, क्या क्या है कि मतलब ये कैसे बनेगा। तो एक वैल्यू आपकी होगी 1 और 204, दूसरा प्रोडक्ट आपका इंटरेस्टिंग होता है कि 204 17 इंटू 12 होता है, फर्दर ये टूट सकता है 34 इंटू 6, 68 इंटू 3, 17 इंटू 12 पे आके जरा गौर से एक चीज देखिए,
ये 17 × 12 है, ये 12 × 12 है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मुझे 60 का अंतर लाना है तो अगर एस सी एफ 12 है तो मुझे ये ए माइनस बी को 5 लेके चलना पड़ेगा। इससे आप जल्दी अराइव होगे कि मुझे यहां आना है 12 × a - b, क्योंकि नंबर में मान रहा हूं 12a 12b, तो अंतर अगर 60 है तो इनका अंतर 5 होना चाहिए ना। तो जितने भी को प्राइम पेयर्स बनेंगे उसमें मुझे वो पेयर लेना है जिसमें इनके बीच 5 का अंतर हो, तो 17 और 12 है, 17 × 12 204 होता है। अब मुझसे पूछ रहा है कि बताओ इनका सम क्या है, तो सम आपका क्या बनेगा, 12 × a + b बनेगा या नहीं बनेगा, तो 12 × a + b आपका 17 × 12 = 29 हो गया, ये 360 - 12 हो गया, और जो कि हो गया 348, आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, दैट इज हाउ यू कैन गेट द आंसर। ऑलराइट, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 271। एचसीएफ दो नंबरों का 21 है, एलसीएम 221 गुना एचसीएफ का है। वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300, देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर इज। सवाल पढ़ो, कह रहा है दो नंबर्स का एचसीएफ 21 है, एलसीएम 221 गुना एचसीएफ का है। जब भी मैं ऐसा लिखूं तो आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि नंबर हमारा 21A और 21B है, ठीक, एचसीएफ 21 है। अब आगे जो कह रहा है कि एलसीएम बटा एचसीएफ किसके बराबर होता है, मैंने बताया कि वो जो ऐसे नंबर आप मानते हो तो वो A × b ही आपका एलसीएम बटा एचसीएफ होता है, होता है नहीं होता है, तो मैं इस ए और बी को यहां लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा A × b बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक है, क्लियर है। तो A × b अगर आपका एलसीएम बटा एचसीएफ हो गया तो आप कहोगे ये 221 गुना है ए बी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कह रहा है कि हमारा एक नंबर 200 से 300 के बीच में रहना है, एक नंबर, वन ऑफ द नंबर्स 200 से 300 के बीच में हमें लेना ही लेना है। अब इसको जरा देखना गौर से, ये जो प्रोडक्ट होता है ये 17 × 13 के बराबर होता है, तो या तो ये ऐसे ब्रेक होगा या फिर ये एक और 221 में ब्रेक होगा। अगर हमने एक और 221 में ब्रेक किया, और चूंकि एस सी एफ 21 है तो एक नंबर हमारा 21 हो जाएगा, और एक नंबर 21 × 221 हो जाएगा, आप कहोगे ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये तो भैया 4000 के ऊपर निकल गया, और एक 21 से चलेगा नहीं क्योंकि मुझे एक नंबर 200 से 300 के बीच में लेना है। तो अब यही एक संभावना और भी है, क्योंकि ये दोनों प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, अब ये फर्दर टूटेंगे नहीं, कोई और संभावना ही नहीं, दो ही संभावना है, यही होगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि भाई नंबर्स क्या क्या मिले मुझे, एक नंबर मिला 21 × 13 और एक नंबर मिला 21 × 17। एक नंबर, ये जो नंबर है आपका ये 273 के बराबर है, तो ये 200 से 300 के बीच वाला नंबर हो गया, और ये जो नंबर है आपका 17 × 2 = 34, 17 × 17 = 357, ये दूसरा नंबर हो गया। इसकी मुझे सम ऑफ डिजिट्स निकालनी है, इसकी अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स लिखूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3, 5, 8, 7, 15, आंसर क्या मिला मुझे डी 15। 221 को 21 से डिवाइड क्यों नहीं किया, सवाल पढ़िए प्रगति जी, आप पहले पढ़िए। एलसीएम एचसीएफ का ही 221 गुना है, एलसीएम 221 नहीं है, अगर एलसीएम 221 होता तो मैं जरूर डिवाइड करता 21 से, बट कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, तो एलसीएम इज 221 टाइम्स एचसीएफ एंड देयरफॉर इट्स 221। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके हाँ जी, क्लियर। हर्षित जी क्लास के अंत तक वेट करेंगे तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, बिकॉज इट्स जनरल प्रिपरेशन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 272, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एक नंबर 500 से 700 के बीच में है, तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम बता दो, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो इंटरेस्टिंग बात देखो ये होती है कि रेसिप्रोकल्स का सम जो होता है 1/x + 1/y, ये होता है x + y, जो कि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, और यहां नीचे आता है LCM × SCF, क्योंकि LCM × SCF ही प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है और इसी का रेशियो मुझे ये देता है। मुझे सवाल में सम दिया हुआ है, मुझे सवाल में HCF दिया हुआ है, मुझे LCM नहीं दिया हुआ है, तो मुझे समवेयर हैव टू फिगर आउट LCM, एक तरह से समझो, या नंबर निकालने पड़ेंगे, जो भी करना है समझते हैं इसको। तो आप करो, मेरे पास एक नंबर है 81A, एक नंबर है 81B, सम ऑफ नंबर क्या बनेगा 81 × a + b, जो कि क्वेश्चन में 1215 के बराबर दिया है, 81 से डिवाइड करेंगे 81 40 रिमाइंडर बनेगा 405, 81 × 405 होता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब 15 देखने के बाद जो पेयर्स बनेंगे उनको समझते हैं,
एक और 14 15 बनेगा को प्राइम पेयर से, दो और 13 भी हमारा को प्राइम पेयर है, ओके इसमें कोई शंका नहीं है। 3 और 12 को प्राइम पेयर नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा उसको क्योंकि उसका एचसीएफ 3 होगा। 4 और 11 भी को प्राइम पेयर लिख सकते हैं, 5 और 10 को प्राइम पेयर नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एचसीएफ 5 हो जाएगा। 6 और 9 को प्राइम पेयर नहीं है तो नहीं लिखूंगा, 7 और 8 को प्राइम पेयर है तो मैं लिखूंगा। इसके बाद जाओगे तो ए और बी रिवर्स हो जाएंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये नंबर्स मिले, अब इसमें देखो कहां पर मुझे एक नंबर 500 से 700 के बीच में मिलेगा, 81 से गुणा करो, 81 एक में 81, 81 इंटू 14 800 से बड़ा होगा तो ये नहीं चलेगा, इसमें कोई भी नंबर 500 से 700 के बीच में नहीं आ रहा है। 81 दुना 81 13 सेम कहानी, जब 10 से बड़ा गुणा करोगे तो वो तो 800 से बड़ा हो जाएगा और ये 81 दुना तो 500 नहीं देगा। 4 11 में भी यही मामला, 81 इंटू 4 आप रह जाओगे 300 से 400 के बीच में, एक ही पेयर बचा जो सही है 81 इंटू 7, जब आप 81 इंटू 7 करोगे तो आपको मिलेगा 567 500 से 700 के बीच में, दूसरा नंबर 600 के ऊपर निकल जाएगा। नहीं, इफ द नंबर्स लाइव बिटवीन, सॉरी दोनों नंबर 500 से 700 के बीच में चाहिए और यहां मिल जाएगा आपको। 8 से आप डिवाइड कर लो, 8 इंटू 81 648, दूसरा नंबर 648 है, ये निकल गया। एनीवे पूछ क्या रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो दोनों नंबर भी निकल गया तो लिख लेते हैं यार। ये नंबर आपको मिल रहा है एक तरह से 81 इंटू 15, ये काटा ना तुमने तो 81 इंटू 15 मिला। यहां मुझे एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ आया 81, एलसीएम कितना आया, आपको क्या एलसीएम एचसीएफ छोड़ो, दोनों नंबर जब पता है तो वैसे ही लिख दो ना, 81 इंटू ए प्लस बी, जो कि ये तो सम बना, सॉरी एलसीएम बनेगा 81 इंटू ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखना है मुझे, एक्स इंटू वाई, ये अभी टर्म ही छोड़ दो, कन्फ्यूजन ना पालो, यहां मुझे प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिखना है, मैं नंबर निकाल चुका हूं यहां पर। एक नंबर है 81 इंटू 7 और एक नंबर है 81 इंटू 8, ऐसी कहानी है। 81 से एक 81 कटेगा, ये वैल्यू है आपकी 15, 15 में मैं 3 से काटूंगा, 3 बचे 15 और 3 27, ये 5 बटे 7 इंटू 8 इंटू 27 बन रहा है, ये सॉल्व करना है मुझे। 5 बटे ये बनेगा 56 इंटू 27, 27 पंचे या 56 दुना 112 कर लो, 1120, और 56 को 7 से गुणा करना है मुझे, कितना आएगा 342, 342, 1462 आ रहा है क्या नीचे, एक मिनट, नहीं 56 1120 7 392 है तो 1512 हो गया है। यूनिट डिजिट वगैरह सब देख सकते हो, ठीक है, हाँ जी क्लियर है मोजी, मैं जानता हूँ आपकी क्वेरी इंपॉर्टेंट है, देखा भी मैंने, बट क्लास के बीच में प्लीज पढ़ लिया करो तो उससे मुझे लगता है कि ठीक है आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट, है ना, क्लास के बीच में पढ़ा करो। अभी ये सवाल चल रहा है, आप अपने दिमाग को अगर इधर उधर भटका के रखोगे तो कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है, मुझे भी आपके सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना, अगर 1.5 घंटा पढ़ाना है तो आई वॉन्ट यू टू बी इन द क्लास, आई वॉन्ट यू टू सपोर्ट मी इन द क्लास, राइट, ओके। कुछ चीज़ों पे एक्शन में क्लास के बाद ही ले सकता हूँ, पहले नहीं ले सकता हूँ, बीच में तो बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है नहीं। 5/1512 आपका वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 273, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, प्रोडक्ट 375 है, उनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या है, दो नंबर्स का सम क्या होगा, x प्लस वाई 40 है, उनका प्रोडक्ट 375 है तो मैं कहूंगा x इंटू वाई, ये 375 है, हमें बताना है उनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या है, सो इट इज 1/x प्लस 1/y, तो ये तो सही हो गया भाई, x प्लस वाई 40 बटे x इंटू वाई 375, 5 से काटूं, 5 8 40, 5 7 35, 5 25, 8 बटे 75 आपकी वैल्यू आ गई, ये आंसर, ठीक है। 274 सवाल देखिए, 12, 16, 18, 20 और 25 को अगर हम एक लीस्ट नंबर x से डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन x 7 से डिविजिबल है, व्हाट इज द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस इन x, x के थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट चाहिए, तो पहले सवाल को समझते हैं। अगर x से मैं सारे नंबरों को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम आता है, सेम रिमाइंडर वाला केस मैंने आपको समझाया होगा शायद, कि अगर मैं दो नंबरों को घटा दूं तो उससे जो नंबर मिलता है घटाने घटाने से, तो x एक तरह से उन सबका HCF हो जाता है, ओके, डू यू रिमेंबर दैट वर्ड, कि ये कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं लाइक दैट। यहां थोड़ा अलग तरीके से सवाल को समझना है, अगर मैं x की बात करूं, यहां x नंबर को मैं इनसे डिवाइड कर रहा हूं, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, वहां हम उस नंबर से ही नंबरों को डिवाइड कर रहे थे, सेम रिमाइंडर आ रहा था, हमने अंतर निकाला था, हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, यहां कह रहा है कि ये नंबर्स एक नंबर x को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 4 रिमाइंडर आएगा, तो नेचर क्या होगा उस नंबर का, जरा समझते हैं।
आप कहोगे अगर मैं एक एलसीएम निकालता, मान लिया ऐसे 12, 16, 18, 20 और 25 का मैंने एलसीएम निकाला, ये जो एलसीएम मैंने निकाला ये क्या होता है, ये वो लिस्ट नंबर होता है जो 12, 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इसमें चार जोड़ दूं तो क्या यही एक्स होगा? अब अगर मैं एक्स को चार जोड़ दिया मैंने, 12 से डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट 12 से कटेगा, चार बचेगा, 16 से डिवाइड करूंगा ये पार्ट 16 से कटेगा, चार बचेगा, 18 से डिवाइड करूंगा ये पार्ट 18 से डिवाइड होगा, चार बचेगा, इसको 20 से डिवाइड करो, अगर आपने एलसीएम लिखा है तो 20 से डिवाइड होगा, चार बचेगा, 25 से डिवाइड करो 25 से डिवाइड होगा, चार बचेगा। और चूंकि मैंने एलसीएम लिखा है इसलिए ये वो एक्स का सबसे छोटा मान है जिसमें ऐसा होगा। ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं जिसमें ऐसा होगा। यहां आप कैसे गुणा कर दो, जैसे आप कर दो 2 LCM + 4, 3 LCM of this + 4, सब में यही रिमाइंडर 4 आएगा, बट चूंकि मुझे एक्स सबसे छोटा नंबर लेना है मैं यहां एलसीएम लूंगा। आगे कंडीशन और भी है कि भाई ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुझसे सवाल में ये कंडीशन नहीं दी होती कि x 7 से डिवाइड भी हो रहा है, मतलब एक ही कंडीशन होती मान लिया सिर्फ इतना, ये कंडीशन ना हो तो आपके x की वैल्यू ये होती। बट आप कहोगे कि भाई ये वैल्यू हो सकता है डिवाइड ना हो 7 से, करके आप देखो, आप एलसीएम निकालो इसका जरा, 12 का तो 2² × 3 आया, 16 क्या होगा 2 की पावर 4, 18 क्या आएगा 2 × 3², 20 क्या आएगा 4 × 5 = 20, 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू है 2 की पावर 4 × 3² × 5², ये एलसीएम है। 16 × 9 = 144, या आप कह लो 16 × 25 = 400, 400 × 9 = 3600 मिला आपको। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर है 3604। देखो जरा ये क्या ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन दी है सवाल में तो भाई ये नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। आप कहोगे नहीं, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करके देखिए तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, 7 × 5 = 35, 1 × 7 = 7 = 34 नहीं हो रही है, देयरफॉर ये नंबर नहीं चलेगा, ये सबसे छोटा नंबर है जो रिमाइंडर 4 जरूर दे रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर नंबर का फॉर्मेट क्या होगा? आपको अगर नंबर का फॉर्मेट आपका बनेगा 3600 के, क्योंकि ये पार्ट हमेशा 12, 16, 18, 20, 25 से डिवाइड होगा, प्लस 4। अब मुझे के की वो वैल्यू चुननी है जिसमें ये 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो ये प्रोसेस कैसे करें, इसके लिए मैं अगला पेज ले लेता हूं। मैं 3600 के प्लस 4 को 7 से डिवाइड करता हूं और देखता हूं क्या रिमाइंडर आ रहा है। मेरा डिजायर्ड रिमाइंडर क्या है? 0। तो पहले 7 से डिवाइड करते हैं। आपको जो 3600 है इसको आप लिखिए 3500 के प्लस 100 को मैं लिख रहा हूं 98 के प्लस 2 के प्लस 4। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाले पार्ट हट जाए। 3500 7 से डिवाइड होता है, 1498 भी 7 से डिवाइड होता है, तो ये पार्ट 7 से डिवाइड हो जाएगा, आपकी वैल्यू बचेगी 2k + 4। अगर मैं ऐसा के चुन लूं जिसमें ये वैल्यू भी 7 से डिवाइड हो रही हो, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो k बराबर 1 पे 2k + 4 की वैल्यू क्या है? 6। और आपने देखा होगा ये कटा भी नहीं था, ये कौन सा केस है? 3604 का नहीं कटा था, 6 रिमाइंडर आ रहा है। k बराबर 2 ले लो, 4 × 4 = 8 बनेगा, 8 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेगा। k बराबर 3 ले लीजिए, 3 × 2 = 6 × 4 = 10, 10 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं चलेगा। k बराबर 4 लीजिए, 4 × 2 = 8, 4 = 12, नहीं होगा। के बराबर 5 लीजिए, 5 × 2 = 10, 4 × 14, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस, करेक्ट है। तो पहली बार ऐसा कब हो रहा है? के बराबर 5 पे। तो जो कंडीशन दी है कि नंबर 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये के बराबर 5 पे पहली बार हो रहा है। तो मेरा जो नंबर है x, वो नंबर क्या होगा? 5 × 3600, के बराबर 5 रखा, प्लस 4, 36 × 5 = 18 मिलेगा, 18000 होगा, 4 ये नंबर मिल गया, 1000 प्लेस पे डिजिट चाहिए, 1, 2, 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये है नंबर। तो नंबर मेरा है ये, 1000 प्लेस पे जो अंक है वो ये है मेरा 8। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 8 बी आंसर। अच्छा सवाल है, समझ लेना इसको अच्छे से। हाँ जी, सो मोटा मोटा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं कोई एक नंबर ऐसा चुनूं जिससे मैं कई सारे नंबरों से डिवाइड करूं तो सेम रिमाइंडर मुझे मिले, तो वो जो नंबर होता है वो ऐसा होता है के इंटू एलसीएम ऑफ, मान लिया 3 नंबर है ए बी सी डॉट डॉट, जितने भी नंबर हो, अगर रिमाइंडर आर आएगा तो प्लस आर लिखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी? के इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस आर, अगर नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो तो माइनस आर होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेम पॉजिटिव रिमाइंडर के केस में के टाइम्स एलसीएम प्लस आर,
नेगेटिव रिमाइंडर के केस में के टाइम्स एलसीएम माइनस आर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस। अगर ये बात सभी को समझ में आ रही तो हाँ बोलिए, नहीं आ रही तो ना बोलिए। ओके ऑलराइट। 275 सवाल देखिए। एक्स नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर एक्स इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल है, और जब इस नंबर को मैं 8, 12, 16 से डिवाइड करूंगा तो तीन ही रिमाइंडर हर केस में आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है? सेम पैटर्न पे सवाल हुआ। आप कहोगे एक्स की वैल्यू जो है वो है के टाइम्स एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 प्लस 3, और मुझे के ऐसा लेना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाए। 8, 12, 16 का एलसीएम क्या होता है? 48। इसको इतना मेहनत से निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये 48 के प्लस 3 बनेगा, जिसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं 49 के प्लस 3 माइनस के, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और इसलिए लिखा क्योंकि अब अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि आपका रिमाइंडर 3 माइनस के है। अगर मैं के को 3 ले लूं तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 49 के 7 से कट जाएगा, 3 माइनस के रिमाइंडर बचेगा। अगर के 3 हो तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी 7 से डिवाइड हो गया। तो के 3 अगर हमने लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 48 इंटू 3 प्लस 3, 48 तीन कितना होता है? 144 प्लस 3 147, तो आपका नंबर कितना आ गया? 147। आंसर क्या हो गया? सी। पर ये सवाल ऑप्शन से करने के लिए भी सीधा सवाल था, आप ऑप्शन से सीधा कर सकते थे। ऑप्शन में जाके देखो कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 7 से डिवाइड हो रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वही सही होगा, आपको रिमाइंडर चेक नहीं करना पड़ेगा। तो चूंकि ऑप्शंस बहुत कमजोर है तो हम ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हैं बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए हुए कि भाई मेरा आंसर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब 7 से डिवाइड होने वाला जो आंसर है वो एक ही है, तो वही सही होगा ना, और कुछ कैसे सही हो जाएगा? और कुछ सही हो ही नहीं सकता है। ऑलराइट, क्लियर? जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? ओके क्लियर? यस। मेक सेंस टू एवरीवन? यस और नो? एक बात पूछूं, आप डांटोगे तो नहीं? डांटूंगा, बिना बात जाने कैसे गारंटी ले लो कि मैं नहीं डांटूंगा? हाँ जी, जैसे कोई बात बोले, एक बात बोलूं मारोगे तो नहीं, और फिर वो तुम्हारे बारे में ऊट पटांग बातें करने लगे सामने खड़ा होकर, तो फिर बड़ा आपको डरने की आवश्यकता क्या है? डांट पड़ भी गई अगर आपको, तो कौन सी ऐसी प्रतिष्ठा का नुकसान हो जाएगा आपके? यहाँ तो कोई जानता भी नहीं है कि कौन हो आप, चेहरा भी नहीं देख रहे हैं आप, कहां से हो कुछ नहीं पता, तो फिर कौन सा इमेज तुम्हारा खराब हो जाएगा? उस इमेज की टेंशन कर रहे हो जो अभी है ही नहीं है, है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? पूछ लो, खा लो डांट, क्या फर्क पड़ता है? डांटने से क्यों डरते हो इतना? हाँ जी, क्लियर है? चलिए आपके डाउट्स देख लेता हूं मैं पहले। अर्जुना बैच से इस बार कितने सिलेक्शन हुए? देखिए मैं रिजल्ट कंपाइलेशन बहुत स्लो करता हूँ, एंड आई थिंक अभी एक वीडियो यूट्यूब पे किसी ने डाला है, बच्चों के मैसेज बहुत सारे आए मेरे पास व्हाट्सएप पे, अभी तो पढ़ा भी नहीं मैंने ठीक से। तो कितने हुए हैं सिलेक्शन अभी मुझे नहीं पता है, वो टीम का काम है, वो लगी हुई है कंपाइल कर रही है, ठीक है, जब वो कंपाइल कर लेंगे। और ये काम भी मैं ज़्यादा करता नहीं था पहले, अभी पिछले साल कंपाइलेशन करवाया था रिजल्ट का, इस साल भी हो रहा है, बिकॉज डेफिनेटली आप ये सवाल पूछ भी इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको इस बात से विश्वास मिलेगा कि अच्छा इस बैच में हम भी पढ़ रहे हैं, हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है शायद, ठीक है, कंफर्मेशन बायस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा इतने सिलेक्शन हुए तब तुमको विश्वास होगा, अच्छा 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 मतलब मैं भी इस बैच से पढ़ के सिलेक्ट हो सकती हूँ, वरना विश्वास नहीं हुआ। सीख रहे हो उससे विश्वास पैदा कहाँ होता है? विश्वास तो पैदा होता है सिर्फ जान के कि अच्छा औरों ने निकाल लिया है इस बैच से तो हम भी निकाल लेंगे, सीखने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, ठीक है। तो पहले मैं इसी कारण से ना रिजल्ट ही कंपाइल नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि यार मतलब अगर मास्टर को प्रूफ देना पड़े वो भी रिजल्ट चेप चेप के, तो क्या पढ़ाना हुआ यार, मतलब हद हो गई है। सो बिकॉज द अननेसेसरी मार्केटिंग इफ यू सी राइट ना, दिस हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। द नेगेटिव इफेक्ट इज समवेयर व्हाट आई बिलीव इन, ओके, इज दैट यू जस्ट फॉलो हु इज पब्लिशिंग मोर रिजल्ट्स, right? Without even verifying. Do you verify? You don't do that. You have seen problems and results of institutes. देखा है आपने कि नहीं देखा? होता है. But you don't wait to verify even. You just look at the posters, you look at the अच्छा 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 चलो चलते हैं इधर, यही सही जगह है. That's not the right metric because
रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है ये आपको भी पता है, सबको मालूम है, बट इसके बावजूद भी पीपल एंड देयर इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इस बुक में लिखा हुआ है कि क्यों इतना एडवर्टाइजमेंट होता है, यू नो व्हाई, बिकॉज ये पाया गया है कि लोगों को अगर चीजें बार बार दिखाओ तो वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं, ये साइकोलॉजिकली प्रूव हुआ है, मतलब नॉट ओनली कि बहुत उनको याद हो, उनको अगर तुम्हें साइड से भी दिखा दिया कुछ, जैसे होते हैं एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं बार बार, ऐसा नहीं कि आप हर बार उस एडवर्टीजमेंट को बहुत ध्यान से देखते हो, कई बार आप इरिटेट होते हो, कई बार आप बोर होते हो, बट इसीलिए वो बार बार दिखाया जाता है, सो दैट दैट इज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, आपकी मेमोरी में वो टॉप पे रहे, ठीक है, सो यू ड्राइव एक्शंस बेस्ड ऑन दैट, एंड दैट इज वाई देर इज सो मच एडवर्टीजमेंट बाई इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो टू शो कि दिस इज माई रिजल्ट, दिस इज माई रिजल्ट, बिकॉज समवेयर यू यू रिलाई मोर ऑन दैट. So I started in a very different way. I used to not advertise results, never compile results, nothing I used to do. But obviously, when there is a demand, you have to do it. So we started doing it from last year. But कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें अच्छी रैंक में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट ना हुए, हमेशा हुए हैं. मैं जिस शहर में जाता हूँ वो पुराने पुराने बच्चे मिलने आते हैं और जो पोस्टेड हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो बाकी सिलेक्शंस काफ़ी होते हैं. हम उतने एग्रेसिवली कंपाइलेशन भी नहीं करते हैं, पहली बार स्लो करते हैं, आपने देखा होगा रिजल्ट को लेकर मैं इतना उतावला नहीं होता हूँ कि तुरंत उतावला होके पागल हो जाऊँ, रात में ही लाइव हो जाऊँ, सब से होता नहीं है, ठीक है, स्लो चलने वाला व्यक्ति हूँ मैं बहुत, तो हो जाएगा रिजल्ट कंपाइल, आ जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चे हैं, देख लेना तुम भी. ऑलराइट ऑलराइट 274 में 8 कैसे आया, कहाँ 8 आया बेटा 274 में, 1000वें स्थान पर अंक पूछा था कौन सा है मंजू जी, 1000वें स्थान पे 8, ऑलराइट क्लियर है. चलो यार जल्दी से फटाफट डाउट क्लियर कर देते हैं जो भी लोगों के डाउट है. संस्कृति जी का डाउट ये है, अच्छा मैं इसको घुमाना भूल गया यार, अभी मैं खुद घूमू क्या, अंडू अंडू कैसे होगा, नहीं अब ऐसे देखना पड़ेगा. संस्कृति जी का डाउट ये है कि देखिए आप बोलते हो कि LCM इंटू HCF A इंटू B होता है और LCM बटा HCF भी A इंटू B होता है, पागल हो गए हो क्या सर. तो संस्कृति जी देखिए क्या है, ये LCM इंटू HCF जब A इंटू B में बोलता हूं तो मैं कहता हूं A और B वो दोनों नंबर्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ. LCM इंटू HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है, लेट्स से कि X इंटू Y है. अगर X आपका HCF को मान लेते हैं H इंटू एक्स है, सॉरी अगर आपका एक्स एच इंटू ए है, एच सी एफ इंटू ए, और वाई आपका एच इंटू बी है, तो ये ए बी ये डिनोट कर रहा है. एलसीएम बटा एच सी एफ इज ए बी, जहां पर ए और बी एच से मल्टीप्लाई होकर एक्स और वाई देंगे, दे आर नॉट सेम. जब मैंने लिखा था एच सी एफ एलसीएम इंटू एच सी एफ ए इंटू बी, तब ए और बी को हमने पूरा नंबर माना था. तो आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और जब मैं LCM बटा HCF A into B लिख रहा हूं तो नंबर्स आपके HCF into A और HCF into B, ये एक तरह से. तो यहां अगर जाओगे बेसिकली तो ये बनेगा H square into AB. Hope it's clear. ठीक है? Clear है कि नहीं? Yes? हाँ जी. Please help me with this doubt. ये कौन सा डाउट है, कोई टेलीग्राम का फोटो लगा दिया और आप कर रहे हो डाउट, बता दो. अच्छा ये कोई लड़का है जो बार बार पूछा रहता है ना पीडीएफ, तो आप बता रहे हो कि देखो ये पीडीएफ यहाँ पर है पड़ी हुई, धन्यवाद. बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेलीग्राम चैनल अब ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के हिसाब से टेलीग्राम चैनल पे कंटेंट अपलोड नहीं करना है हम लोगों को, तो इसलिए हम कर नहीं रहे. बाकी आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है तो आप जाके यहाँ देख सकते हो, बच्चा ये पढ़ा हुआ है, देखो क्लास एक्सरसाइज प्रैक्टिस पीडीएफ वीडियो पढ़ा हुआ है सब, ठीक है. क्लास एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट PYQ टोटल बहुत सवाल हो जाते हैं, एक साथ सब करते चलें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के बाद करें, मैं बाद में रिकॉर्डिंग से क्लास करता हूँ. देखिए डेफिनेटली आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपने हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो आप क्लास एक्सरसाइज तो करना ही है बेटा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करना ही करना है, ये कर लो आप. अगर नहीं कर पा रहे हो PYQ अभी आप, तो PYQ बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर लो बाद में कर लेना, अभी टाइम है तुम्हारे पास. बाद के बजाय आप ऐसा कर लो कि बीच बीच में जब भी, जैसे देखो महीने में 20 क्लास होनी है आपकी, ठीक है, तो जो भी टाइम मिले उसमें अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है तो कोई एक चैप्टर का PYQ लगा लेना, ऐसा कर लो. हाँ जी, परसेंटेज और रेशियो का एक है,
प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम पे है, हाँ टेलीग्राम पे हमने डाला था, अपडेट सेक्शन में नहीं गया था। एक बच्चा है, क्या कह रहा है, लगता है टीम आपकी बातों को हल्के में ले रही है, अभी तक परसेंटेज रेशियो की क्लासेस नहीं डाली। एक्चुअली टीम के साथ क्या है, उन्होंने टेलीग्राम पे डाल दिया तो उनको लगता है उनका काम हो गया है, अपडेट सेक्शन में डाला नहीं है उन्होंने, बोला है मैंने 2-3 बार, ठीक है, फिर बीच में कोई शादी में चला गया, कोई कहीं चला गया है, तो पकड़ में थोड़ा कम आ रहे हैं लोग, ठीक है, बट आप चिंता मत करो, ठीक है, अगर कल तक आपको ये नहीं मिलेगी शीट। कौन कौन सी प्रैक्टिस साइज है, परसेंटेज और रेशियो की क्लास एक्सरसाइज है ना, क्लास एक्सरसाइज है, परसेंटेज और रेशियो की क्लास एक्सरसाइज, एक मिनट रुको नोट कर लेता हूँ मैं, चलो ठीक है अभी याद है, अभी अभी बात करके करा देता हूँ, ठीक है अभी बात करके करा देंगे। कल से नए चैप्टर की शुरुआत होगी, कैसे शुरुआत होगी कल से नए चैप्टर की, अभी ये चैप्टर खत्म तो हो, अभी नहीं खत्म हुआ है, ओके। रिवीजन मैथ्स का नोट्स से करें या वीडियो देखकर करें, नोट्स बनाओ, नोट्स से रिवाइज करो, ठीक है, वीडियो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा यार, इसलिए कहता हूँ नोट्स बनाओ अच्छे से ताकि वीडियो ना देखना पड़े दोबारा, हाँ जी। तो रिवीजन शुड हैपन फ्रॉम नोट्स ओनली, अगर आपको कुछ नोट्स में पड़ी हुई चीज़ों को समझने में तकलीफ आ रही है तो यू कैन रेफर द वीडियो, वो पार्ट फिर से दोबारा देख लिया, बट अदरवाइज इसको कम से कम करिए तो बेहतर है, ओके। जो चैप्टर पहले पढ़ा दिए हैं उनको करने की कोशिश करें या फ्रेश बैच का वेट करें, देखिए फ्रेश बैच का कोई टेंशन नहीं हर्षित जी, जैसे जब से आप पढ़ना आप शुरू कर रहे हो, आप ऐसे समझो कि हमारा जो कोर्स है ना वो चलता है साइक्लिक फैशन में, साइक्लिक फैशन का मतलब सिंपल है, देखो जैसे लेट अस से अभी चल रहा है नंबर सिस्टम, हाँ जी ये नंबर सिस्टम चल रहा है अभी, नंबर सिस्टम के बाद अभी चलेगा एडवांस मैथ, ठीक, एडवांस मैथ के बाद यही शुरू हो जाएगा अरिथमेटिक। अब हुआ क्या है, जिन्होंने यहां शुरू किया था 13 जुलाई को, उन्होंने यहां से शुरू किया, उनका क्या हुआ, अरिथमेटिक खत्म हो गया, अब नंबर सिस्टम खत्म हो गया, अब वो एडवांस मैथ करेंगे, जिन्होंने यहां से शुरू किया है नंबर सिस्टम एडवांस मैथ करेंगे, फिर अरिथमेटिक करेंगे लाइफ। तो आप पुरानी वीडियो को देख जरूर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, कि आप एडवांस करोगे, पुराना भी देख लिया आपने वीडियो, तो आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो गया, बट अगर आप नहीं करेंगे, आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव आपको मिलेगा, जब एडवांस मैथ खत्म होगा तो वापस से अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स द प्लान, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टॉपिक्स को लाइव भी कर सकते हैं, बाद में लाइव होगा, या अगर रिकॉर्डेड करना है तो आप उसको रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए जा रहे हैं, कल मिलेंगे आपको कल शाम को 6 बजे, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।